नतुला पहुंच चुका है, बहुत जबरदस्त ठंड गिर रही है यहाँ पे, तो आप लोग जब भी रिमूव कीजिए। ओके, उसके बाद आपके लिए सील तोड़ रहे, ठीक है ना सर? ओके, ये डॉट है ना? फाइन, डॉट को नीचे फेंको। या तो बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, साथ साथ देखिए पूरे पहाड़ में आइस, अनोखा नजारा है ये, लाइफ टाइम में एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे, लेकिन भाई साहब इतना एक्सपर्ट है कि आराम से चला लेते हैं। जीरो जीरो जीरो। हाय फ्रेंड्स, आज गैंगटॉक का दूसरा दिन है। पहला वीडियो में मैंने आपको रूम दिखाया था, देखिए रूम से बाहर का नजारा ऐसा है। तो कैब आ गया है, आज मैं जा रहा हूँ नतुला पास। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेना होगा, रेस्ट्रिक्शंस क्या रहेगी, कॉस्ट कितना पड़ेगा, ये सब का जानकारी आगे वीडियो में मैं दूंगा, तो बने रहेगा वीडियो में। नमस्कार, गढ़े डमान के एक नया वीडियो में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। सफर का शुरुआत आज नतुला पास के लिए, तो होटल से निकलने के बाद अभी अपना ट्रिप शुरू हो चुका है। और भैया आपका नाम क्या है? जोना है। जोना? हाँ, जोना। जोना भाई हमारे साथ है आज पूरे नतुला के लिए, तो देखेंगे आगे का सफर कैसा हो रहा है। नतुला पास जहाँ पे इंडिया चाइना के बॉर्डर है, तो यहाँ पे जाने के लिए एक स्पेशल पास लेना होगा, जिसके लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट की जरूरत होगी, और बच्चों के लिए आधार कार्ड भी चलेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको सबमिट करना होगा। तो मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो वीकली मंडे यहाँ पे हॉलीडे रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे आइदर शेयरिंग या फिर आपको गाड़ी को हायर करना होगा। शेयरिंग में अगर आप जाते हो तो पर हेड 1000 rupees इंक्लूडिंग पास है। अगर गाड़ी हायर करोगे तो आपको SUV हायर करना होगा, क्योंकि नतुला के ऊपर तक सिर्फ SUV को ही अलाउ करेगा। और मैंने 4 लोगों के लिए करीब 9000 rupees पे किया है इंक्लूडिंग पास। तो ये जो चार्जेस है ये सीजन वाइज अप एंड डाउन होता रहेगा। तो करीब 7:30 हम लोगों ने अपने सफ़र को शुरू की। लगभग 5 से 5.5-6 घंटे का वक्त लगता है पूरा ट्रिप कंप्लीट करके रिटर्न आने के लिए। तो बहुत छोटा सा रोड है यहाँ पे, करीब 14,400 feet हाइट यहाँ से अभी हमको जाना है नतुला पास पहुँचने के लिए। हैट्स ऑफ यहाँ के सारे ड्राइवर्स को, क्योंकि बहुत केयरफुली ये लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा। कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करने के बाद, अभी हम लोग आगे की ओर निकल चुके हैं। तो गैंगटॉक जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे वैगनार है, यहाँ पे छोटे गाड़ियों में वैगनार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। शायद सिटी के रोड बहुत छोटे होने के कारण लोग यहाँ पे वैगनार को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे अभी हम लोग अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि ऊपर जाते वक्त बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग का इश्यूज आ सकता है, तो उसके लिए कुछ कुछ आइटम्स पहले ही हमें अपने साथ कैरी करना होगा, जैसे कि कपूर 50 rupees पर पैकेट में यहाँ पे इजीली भी अवेलेबल रहता है। पूरे रास्ते में लोग यहाँ पे कपूर बेचता हुआ मिलेगा आपको, तो ज़रूर एक पैकेट अपने साथ रखिएगा। तो अब इसमें कितना साइंटिफिक फैक्ट है मैं नहीं जानता, लेकिन सारे लोग इसको कैरी कर रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा अपना साथ कैरी कर लिया। और दूसरा है ऑक्सीजन का कैन। आपको पता है कैसे यूज करना है? नहीं पता, आप बताएगा तो हम भी रिकॉर्ड कर लेगा। बता दीजिए, बता दीजिए ना। पहले रिमूव कीजिए। ओके, उसके बाद आपके लिए सील तोड़ रहे, ठीक है ना सर? ओके, ये डॉट है ना? फाइन, डॉट को नीचे फेस करिए। और इसमें
फिक्स कीजिए। ओके। फिक्स करने के बाद नाक मुख अच्छे से कवर कीजिए। कवर करने के बाद स्प्रे दीजिए। स्प्रे देने के बाद आप 2-3 बार लंबी लंबी सांस लेकर वो ऑक्सीजन इनहेल करिए। आप 5-6 टाइम्स रिपीट करिए, लेकिन आप ज्यादा बीमार हो रहे हो तो 10 अबव कर लेना सर। इसमें टोटल रहता है 290 स्प्रे। ओके, इसके लिए छोटा बच्चा के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कितना स्प्रे कर सकते हैं? हाँ जी, सेम सेम। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैडम। इसका क्या चार्जेस है? 500। ओके मैडम, एक मिनट दे रहा है। पकड़ो बेटा, आप भूल गए थे ये रिकॉर्ड देख लेना। थैंक यू बोला दीदी को। थैंक यू, वेलकम। Thank you. Have a nice day. Thank you. Hello sir, Kapoor. Oxygen okay? Le liya madam. Kapoor nahi lena sir. Le liya, le liya. Acha acha acha. तो यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है, जहाँ पे चेकिंग करा होने के बाद अभी हम लोग आगे की ओर अपना सफर को फिर वापस शुरू किया। आई चाहता डिसिप्लिन रेडी वन। तो यहाँ पे भी कुछ 20 रुपीस का पास परचेस करना होता है। ये है वो पास। सारे चेकिंग का प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट करने के बाद फाइनली अभी हम लोगों ने अपना सफर को स्टार्ट कर दिया। तो बहुत खूबसूरत रास्ता है जिसे होते हुए अभी हम नतुल्ला की ओर बढ़ रहा है। तो हजारों गाड़ी दिन में यहाँ से गुजरने के बावजूद यहाँ का सड़क बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा वेल मेंटेन सड़क है यहाँ का। तो नतुल्ला 14,000 फीट से भी हाइट ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पे 5 साल के नीचे के बच्चों को परमिट नहीं किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा, 5 साल के अगर नीचे के बच्चे हैं तो इस जगह को अवॉइड करना होगा। तो पहाड़ को काटते हुए इस सड़क को यहाँ पे बनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सैल्यूट करना होगा, उनके स्टाफ को, जो इतनी ठंड में भी यहाँ पे वेल मेंटेन रखता है इस रोड को। आगे अब क्लाउड दिखना शुरू हुआ है। यहाँ पे पल पल में मौसम बदलते रहता है। तो कुछ ही पल में देखिए यहाँ पे धूप था, अभी कुछ ही पल के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड है। तो एक अलग ही मज़ा है क्लाउड के बीच में जाने का। तो जोना बता रहा था आगे कंचनजंगा व्यू पॉइंट है, करीब 9,700 फीट हाइट पे अभी हम आ चुके हैं। अगर मौसम अच्छा रहा, बादल नहीं होगा, तो यहाँ से एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा क्लाउड है। सभी लोग इस व्यू पॉइंट पे व्यू के लिए वेट कर रहा है। अब बाहर इतना ठंड है कि गाड़ी से बाहर निकलने का मन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है आई लव बीआरओ का, जिनको फोटोज़ लेनी हो या फिर सेल्फी वगैरह करना हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। तो आगे छोटे छोटे शॉप है जहाँ से आप चाहे तो ग्लव्स वगैरह ले सकते हो या फिर वुलन क्लोथ वगैरह रेंट में भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने प्लान किया यहाँ से कुछ कपड़े रेंट में लूँगा। तो वुलन स्वेटर, शू और ग्लव्स का सेट होता है, जिसको आप 250 से 280 रुपीज़ के बीच में रेंट में ले सकते हो। तो सभी टूरिस्ट यहीं से लेकर जाता है। अभी टेम्परेचर शायद माइनस में है, देखिए बाहर की ओर पूरा आइस जमा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है, लेकिन भाई साहब इतना एक्सपर्ट है कि आराम से चला लेते हैं। 1 मीटर से भी कम में दिखाई दे रहा है। तो बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, साथ साथ देखिए पूरे पहाड़ में आइस, अनोखा नजारा है ये। लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो आगे धीरे धीरे गाड़ी स्लो होने लगा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी नतुल्ला पे पहुँचने ही हम वाले हैं। तो वो आगे जो रेड कलर में दिख रहा है वही है नतुल्ला, इंडिया चाइना का बॉर्डर। तो लगभग हम यहाँ पे पहुँच ही गया है। तो ये यहाँ का पार्किंग है, यहीं से पार्किंग स्टार्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए अपना गाड़ी कहाँ पे पार्क है और गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट करके जाएगा, नहीं तो रिटर्न में आपको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो जिनको एकदम ऊपर जीरो पॉइंट तक जाना है, इंडिया चाइना का बॉर्डर देखना है, तो ये लाइन से ये जो क्यू है इसको कवर करते हुए ऊपर तक जाना है, ऊपर उस लाल वाली बिल्डिंग तक जाना होगा। अभी फ़िलहाल हम 14,200 फीट के ऊंचाई पे है, तो ऊपर जाने के बाद कुछ भी मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कुछ टोटली प्रोहिबिटेड है ऊपर के हिस्से में। तो यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन मोबाइल में टाइम जो है चाइना का दिखाना शुरू हो गया है। तो आगे वो पार्किंग है जहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो रिटर्न में अपना गाड़ी ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। तो दोस्तों नतुला पहुँच चुका है, बहुत ज़बरदस्त ठंड गिर रही है यहाँ पे, तो आप लोग जब भी आओगे यहाँ पे ग्लव्स जो स्वेटर वगैरह सब कुछ लेकर साथ में आना। देखिए चारों तरफ में पब्लिक बहुत एंटरटेन करते हुए, बहुत अच्छा मौसम है आज यहाँ पे। देखिए एक तरफ से पूरा क्लाउड और इस तरफ में फुल आइस ही है, चारों तरफ में देखिए आइस है। आइस के साथ साथ देखिए ये अभी हम फिलहाल जहाँ पे मौजूद है ये इंडिया है, साथ साथ अगर थोड़ा सा अगर कैमरा को मैं उस तरफ दिखाऊंगा तो देखिए वो जो देख रहे हैं वो है चाइना, और वहीं पे चाइना का फ्लैग भी लगा हुआ देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा जूम करूँगा तो आपको ये दिखाई देगा। ओके, बहुत ज़्यादा बादल है यहाँ पे और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो रहा है। ठंडा लगता तो वो डाल दो या बस थोड़ा ठीक से रखो, नहीं आता क्या? तो ऑक्सीजन का कैन जो है कुछ डिफेक्ट वाला था, मैंने बहुत बार ट्राई किया उसके बावजूद भी 4 से 5 ही स्प्रे कर पाया। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब सक्सेस नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने कपूर से ही काम चलाया, शायद कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था होगा या फिर पता नहीं कैसा हुआ। तो धीरे धीरे मौसम बदलते हुए मैंने देखा अचानक क्लाउड बहुत ज़्यादा हुआ, ठंड भी बढ़ गई और ब्रीथिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम होने शुरू हुआ। तो मैं इन सब के बीच में यही सोच रहा हूँ कि अपना इंडियन सोल्जर्स कैसे यहाँ पर ड्यूटी करता होगा। हैट्स ऑफ उन सभी सोल्जर्स को जो इतनी ठंड में भी अपना भारत माता की रक्षा करने के लिए यहाँ पे ड्यूटी पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं। तो बारिश होने से पहले मुझे पार्किंग की ओर जाना होगा, तो हम लोगों ने तय किया मौसम बिगड़ने से पहले जो कुछ पॉसिबल है वो सब देखते हुए जल्द से जल्द अपने रूम की ओर जाऊंगा। दोस्तों नतुल्ला होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गया, अभी हम वापस डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूँ, तो ठंड की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत ठंड है। तो ये नीचे पार्किंग है, यहाँ से अपना गाड़ी ढूंढना है ताकि आगे की ओर आराम से जा सकूँ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है नतुला पास में। करीब 1 घंटे अपना गाड़ी को ढूंढने के बाद एट लास्ट हम लोगों ने गाड़ी को ढूंढ लिया। अब अपना रिटर्न जर्नी शुरू करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से बाबा हरभजन जी के मंदिर होते हुए जाऊँगा। बाबा जी एक वीर जवान है जिनके बारे में माना जाता है वे शहीद होकर भी देश के आज भी सेवा कर रहा है, तो आर्मी के द्वारा उनके लिए यहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया गया है, साथ ही साथ हर महीने उनका तनख्वाह घर भेजा जाता है, उनके सामान छुट्टी पे उनके घर भेजा जाता है, आर्मी के 2 कैंडिडेट उनका सामान लेते हुए उनका घर पहुँचाया जाता है। कहते हैं कि बाबा जी ड्यूटी में इतना सख्त है कि अगर कोई सैनिक बॉर्डर में पैरा करते वक्त आंख लग जाए तो उनको हवा में चाटा भी दिया जाता है। तो सल्यूट है हमारे बहादुर सिपाहियों को जो इतनी ठंड में भी अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी अभी यहां से अपने रूम की ओर जाऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ का जानकारी मिलेगा। तो चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सिटी टूर यानी कि गैंगटॉक का 3rd डे, यहाँ पे क्या क्या मैंने एक्सप्लोर किया।
वो सारे चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।